मित्रों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एचएस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एचएस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सितंबर 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये तो सच है, ग्रह बदलते हैं तो हमारी ब्रेन बदलती है, दिमाग बदलता है, मन बदलता है, क्योंकि ग्रहों से हमारी खोपड़ी संचालित है। ये जो नहीं मानते हैं, वो जैसे ऊपर से ग्रह घूमते हैं वैसे वैसे हमारा दिमाग घूमता रहता है और फिर हम वही करते हैं जो ग्रहों की गति कराती है। हमारे अपने बस की बात नहीं है, हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। अगर आपको ख्यालात आ रहा है कि मैं सुसाइड करूं और आपको ख्यालात आ रहे हैं कि मुझे नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है, तो आप रोक सकते हैं उसको, विल पावर के साथ रोक सकते हैं, गुरुओं के सानिध्य में आप उसको रोक सकते हैं। मैंने बताया कि ये महीना आपके लिए बड़ा जबरदस्त है, बहुत लाभ देने वाला है, राजयोग बनेंगे, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ये टाल दें कि नहीं छोड़ो ना, कौन ज्योतिष की बात पर यकीन नहीं करे, तो ये मूर्खता भरी बात है। इस दुनिया में कोई कुछ भी बोलता है वो होता है, ये प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में हर चीज सच है, जो आप मुंह से बोल सकते हैं, जो दिमाग से सोच सकते हैं, वो पॉसिबल है। आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो सब पॉसिबल है, ऐसा ज्योतिष बोलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो चार राशियां जिनका सिंगल महापुरुष राजयोग बनेगा। पिछले एपिसोड में हमने आपको जो चार राशियों का डबल बना था, अब सिंगल की जानकारी भी आपको देंगे और ये 22 सितंबर तक चलेगा ये राजयोग, क्योंकि 22 सितंबर तक बुध अपनी स्वराशि में रहेगा, मूल त्रिकोण उच्च स्वराशि के अंदर उसका प्रभाव रहने वाला है। 16 सितंबर की रात 17 की सुबह सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वो अपनी सिंह राशि को छोड़ देंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करेगा, वो कन्या राशि में चला जाएगा। शुक्र 5 सितंबर को नीचता से निकल जाएगा और महापुरुष राजयोग बनाएगा, सीधा मालव नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। लेकिन जो बनाएगा वो तो हमने आपको जानकारी दे दी। और सबसे बड़ा इस महीने का ड्रॉबैक है, इस महीने का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो है शुक्र का, सॉरी देवगुरु बृहस्पति का बकरी होकर के नीच शनि के साथ आना। जब जब भी ये युति होती है, इतने सालों में जब ये युति होती है, 40 50 60 100 साल में ये इस प्रकार की युति आती है। 30 साल में तो देवगुरु 30 साल में तो शनि आएगा ही आएगा स्वराशि के अंदर। अब उन्हीं 30 सालों के अंदर जब बृहस्पति 12वें साल के अंदर उस राशि पे आएगा, कभी कभी आ भी जाता है और कभी कभी लंबा भी चल जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर शनि देव तो स्थिरी है, वो भी चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की गति फास्ट होती है, वो 12 साल में चक्कर लगा लेता है। अब वो चक्कर लगाते लगाते हो सकता है 12 15 16 20 साल के अंदर उसका नंबर आ जाए और वहां पर वो पहुंच जाए, तो ऐसे चक्कर चलता है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है और ऐसी हमने भविष्यवाणी की भी थी कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने कोरोना के लिए थोड़े से टफ हो सकते हैं, लेकिन हालात खराब नहीं होंगे, जैसे पहले भयावह हुआ था वो स्थिति नहीं बनेगी। अब मैं बताऊंगा उन चार राशियों की, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। और आप बंबई महाराष्ट्र गुजरात वालों के लिए खुशखबरी भी है, मैं 2 सितंबर से 7 सितंबर तक बंबई में हूं, आप कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, वास्तु विजिट के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब वो कौन सी राशियां हैं जिनका ये राजयोग बनेगा, डबल से सिंगल पे आएगा और साथ में बुध देव अकेले ही घनघोर धन की वर्षा कर देंगे, कौन कौन सी राशियों के लिए करेंगे सुन लीजिए।
राशि पहली हमारे पास में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, वो उच्च का भी है कन्या राशि में, मूल त्रिकोण का भी है और जाते जाते स्वराशि का भी है, इसलिए अकेला ही काफी है। मैंने ये लिखा है ना, एक ही ग्रह काफी है सिर्फ, वो है बुध। अभी से इसको देखें तो 15 डिग्री तक ये उच्च का फल देगा, 100 में 100। 15 से 20 डिग्री के बीच में 5 दिन 4-5 दिन थोड़ा कम देगा और फिर अपनी स्वराशि का फल देगा, देगा पूरे समय तक, यानी 22 सितंबर तक व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा है। सेल परचेज अगर आप करना चाहते हो तो इस समय पर बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। अगर आप चाह रहे हैं इस समय बेचना तो आपका माल बहुत अच्छा इस समय बिक जाएगा और उसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आयु वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ में थोड़ा सा पेट में ऑपरेशन तकलीफ आते हैं, किडनी पे थोड़े इफेक्ट आ सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। देवगुरु बृहस्पति मृत्यु स्थान में जाएंगे 14 तारीख से, यहाँ आपकी पत्नी की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपके कैरियर पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सेल परचेज और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अब बात करेंगे हम कन्या की। कन्या राशि वालों के लिए भी सिंगल महापुरुष राज होगा, इसको बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राज। एजुकेशन फील्ड वालों के लिए है, राइटरों के लिए, पत्रकारों के लिए, अखबार वालों के लिए, नेताओं के लिए है, जो वक्ता हैं उनके लिए यह राजयोग बहुत ही अच्छा है। 5 सितंबर के बाद में धन भाव पर शुक्र स्वराशि में रहेंगे पूरे महीने और 22 तारीख तक बुध रहेंगे, तो भाग्य कर्म लगन राशि वे ऑफ टॉकिंग सब बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत ही शानदार योग बनता है। मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिएगा, क्योंकि 14 सितंबर के बाद में लव का स्वामी शनि और मैरिज का स्वामी गुरु नीच हो जाएंगे दोनों एक साथ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहां पर एक कामयाबी आपको मिलेगी, पितृदोष का थोड़ा सा प्रभाव यहां पर रहने वाला है। तो आपकी कुंडली के अंदर जो सिंगल महापुरुष राजयोग है भद्र नाम का, ये व्यापारियों के लिए, इंस्टीट्यूशनल जो काम है जिनके उनके लिए, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो सेल परचेज का कारोबार लेजेंड वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त योग बनता है। आप पन्ना रोपल पहन सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। धनुराशि की बात करेंगे, धनुराशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, शनि मार्केश भी है, परिवार में किसी को मृत्यु तुल कष्ट देता ही देता है और धनु राशि का स्वामी गुरु नीच हो जाएगा सेकंड हाउस पर, ये थोड़ा सा नकारात्मक योग रहेगा, लेकिन पत्नी के माध्यम से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा और आपके कैरियर में उछाल बना रहेगा। अगर आपका कैरियर ऊंचाइयों पर है, आपका काम कारोबार ऊंचाइयों पर है, आपकी एजुकेशन ऊंचाइयों पर है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो ये जरूरी तो नहीं परिवार में किसी की मृत्यु ना हो, उनको कष्ट ना हो, तो यहां पर आपके चेहरे में कोई तकलीफ हो सकती है, दांत में, आंख में, नाक में, गले में कोई तकलीफ हो सकती है, कानों में तकलीफ हो सकती है, इसकी कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन हो सकता है। व्यापारियों के लिए बहुत जबरदस्त है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए जबरदस्त सफलता मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं, तो कोरोना का कोई खौफ वाली बात यहाँ पर नहीं है। शनि के मंत्रों का जाप करते रहिएगा, वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए विवाह स्थान से भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। जो प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, जो गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं या शेयर बाजार में सेल परचेज करते हैं, उनके लिए ये योग अच्छा है। पत्नी को पति के माध्यम से, पति को पत्नी के माध्यम से, यानी अपोजिट सेक्स के माध्यम से यहाँ पर लाभ मिलने का योग बनेगा। व्यापारी जितने भी हैं उनको जबरदस्त लाभ मिलेगा, व्यापार इंडस्ट्रियलिस्ट उनके लिए जबरदस्त योग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वालों के लिए जबरदस्त रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटीज थोड़ी बढ़ सकती है, हेल्थ इशू थोड़े बढ़ेंगे मीन राशि वालों को, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु है वो नीच होकर के शनि के साथ आएगा, तो भाव स्वामी यहाँ पर पीड़ित होंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं लीवर पर इफेक्ट आना, पैनक्रियाज पर इफेक्ट आना, इन सब चीज़ों में थोड़ी सावधानी आपको 2-2.5 महीने बरतने की आवश्यकता होगी। उसके लिए आप शनि की पूजा करते रहें तो काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मिलेगा और यहाँ पत्नी के माध्यम से सहयोग जरूर मिलेगा। यहाँ मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वो केंद्र में आ जाएंगे, एक अच्छा साइन है, केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बन जाएगा
और साथ में सूर्य भी 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके केंद्र में चले जाएंगे, तो 16-17 तारीख के बाद में फिर आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार आने का योग बनता है। तो यहां पर आप पन्ना नग डाल सकते हैं। पन्ना नग पहनने से आपको जबरदस्त यहां पर लाभ मिलेगा, और ये लाभ व्यापारियों के लिए, एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन जिनकी रह रही है उनके लिए, लाइजन का काम करते हैं उनके लिए, जिनको बोलने में झिझक आती है उनके लिए एक बहुत अच्छा साइन यहाँ पर बनता है। और साथ में ओपल भी पहन सकते हैं 5 तारीख के बाद में, क्योंकि शुक्र अपनी नीचता से हट जाएगा और एक पॉजिटिव साइन की तरफ यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ जिनका गुरु नीच होगा उनको शनि की पूजा करते रहने चाहिए, गुरुवार को भी दान करते रहें कुछ ना कुछ, क्योंकि नीच ग्रह कोई ना कोई तकलीफ आपको देता हुआ नजर आएगा वो। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, डायबिटीज वगैरह है, उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मित्रों, अंत में आपके लिए खुशखबरी है, मैं 2 तारीख से और 7 तारीख तक बंबई में हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा बंबई का पता नोट कर सकते हैं और वहां पर अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कुंडली दिखवाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, पूजा पाठ वास्तु विजिट कराने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें 9811-44156, 9212-29609। प्रिय दर्शकों,